नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। आज की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में हिंसा तोड़फोड़ मामले में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। किसान नेता बलबीर राजेवाल, राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दीप सिद्धू और लखा सिडाना पर भी केस दर्ज किया गया है। किसान नेताओं पर जानलेवा हमला करने, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने जैसी धाराएं लगाई गई है। वहीं लाल किले को 31 जनवरी तक के लिए आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किले पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इधर हरियाणा में सिकरी हिंसा मामले में 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन लोगों पर हत्या की कोशिश सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के नेता दर्शन पाल सिंह से जवाब मांगा है। दर्शन पाल से पूछा गया है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान समझौते की शर्त तोड़ने के लिए क्यों न उन पर कार्यवाही की जाए। किसान नेताओं को सभी सवालों के जवाब 3 दिन में देने के लिए कहा गया है। वहीं मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर सोशल मीडिया को लेकर भी खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। हिंसा से जुड़े 550 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। उधर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने के दौरान दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अब किसान 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास रखेंगे। इस कड़ी में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, हनन मोला, शिव कुमार कक्का आदि ने बैठक कर गणतंत्र दिवस पर हुई घटना पर चर्चा की है। वहीं अब दीप सिद्धू और किसान नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में लाल किला पर हुई घटना के बाद दीप सिद्धू किसान नेताओं के निशाने पर है। किसान नेताओं ने हिंसा के लिए दीप को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका बहिष्कार कर दिया है। तो दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक पेज से लगातार लाइव होकर किसानों पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया पर इस समय दीप सिद्धू ट्रेंड हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता सनी देओल के साथ उनके फोटो सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहे हैं। वहीं पठानकोट से एक दर्द भरी खबर आ रही है। पठानकोट और कठुआ के बीच 25 जनवरी को हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण फरीदाबाद के लाल कैप्टन ऋषभ शहीद हो गए। बीती देर रात को सेक्टर 13 स्थित नालंदा अपार्टमेंट में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा और आज अंतिम संस्कार हुआ। शहीद के आखिरी दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दुख की घड़ी में पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ था। जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश का जवान अमर है। वहीं दिल्ली लाल किले पर हुई घटना के बाद लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। करनाल के लोगों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर खालिस्तान का पुतला फूंका। वे प्रशासन से तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की। हरियाणा से एक और अहम खबर भी दिल्ली बॉर्डर से आ रही है। अब किसानों में दरार की खबरें सामने आ रही है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीएम सिंह सहित दर्जन किसान संगठनों ने आंदोलन से दूरी बना ली है। खबर यह भी आ रही है कि अब काफी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर से लौटने लगे हैं। हरियाणा की कुछ खाप पंचायतों ने भी दिल्ली में हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आंदोलन से स्वयं को पीछे कर लिया है। उधर करनाल के नेशनल हाईवे पर मधुबन के पास धुंध की वजह से हादसा हो गया। 4 ट्रक आपस में भिड़ गए। गनीमत यह रही कि ट्रक चालकों को ज्यादा चोटें नहीं आई है। क्रेन की मदद से ट्रकों को साइड किया गया। हादसे होने के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक स्लो हो गया। कोहरा लगातार बढ़ रहा है जिसका असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। हालांकि हाईवे पर हादसे वाली जगह ट्रैफिक स्लो है। इस बस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा हुआ होगा। दरअसल एक बस जो कर्मचारियों को फैक्ट्री से लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक कैथल रोड पर बस का टायर फटने से बस असंतुलित हो गई और बस रेलिंग तोड़कर नहर में गिर गई। बस में जो कर्मचारी थे वो घायल हो गए। मौके पर तुरंत आसपास के लोग आए। उन लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। बिना खातों से पैसे निकलवाए, बिना एटीएम चलाए, बिना किसी ओटीपी आए, ऐसे शातिर तरीके से हैकर्स ने 22 लाख रुपए साफ कर दिए। यह ठगी सेक्टर 17 है, हुड्डा निवासी सरोज भाटिया के साथ हुई। अजीबोगरीब इस ठगी का तब पता चला जब सुबह उनके बेटे विशाल भाटिया ने मोबाइल पर मैसेज देखा। सरोज भाटिया ने बताया कि उनके बैंक ऑफ बड़ौदा की जगाधरी शाखा में 4 खाते हैं। 24 जनवरी की रात को मोबाइल बंद कर वो सो गए थे। 25 जनवरी की सुबह जैसे ही मोबाइल खोला तो उनके पास एक मैसेज
आया हुआ था। जब उनके बेटे विशाल ने मोबाइल देखा तो उसमें से 22 लाख रुपए अलग अलग करके निकले हुए थे। ये देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत बैंक में पहुंचे और इस बारे में बात की तो बैंक में उन्हें जानकारी मिली कि उनके खाते से पैसे गुजरात में निकाले गए हैं। दो बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में पैसे निकाले गए। इसके अलावा पेटीएम से 3 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें जिसकी जानकारी आप तक पहुंचनी अनिवार्य थी। यदि आप प्रतिदिन ऐसी जानकारियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।